एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट लैब एक मिनट अभी वीडियो गंगा की गौरी एक बहुत ही उम्दा फिल्म है और जहां हम आज नारी के सशक्तिकरण को लेकर बात करते हैं तो ये उसके लिए बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री फिल्म है, पूरक फिल्म है। और कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़की अगर पर्याप्त चीज़ें नहीं प्राप्त होती है और उस वक्त अपनी बच्ची को जन्म देती है और घर से परिवार से साथ नहीं मिलता है तो किन कठिनाइयों का किन परेशानियों का सामना करते हुए उस बच्ची को बड़ा करने के लिए क्या क्या गो थ्रू कर सकती है, एक माँ क्या क्या कर सकती है अपने बच्चे के बड़े उसकी अच्छी शिक्षा के लिए, उसके परवरिश के लिए, इस बारे में ही कहानी है। और इसी दौरान उसकी एक नहीं उसकी दो माएँ होती है और वही कहानी है गंगा की गौरी। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लॉट है जो राजेंद्र जी ने बुना हुआ है। कथा बहुत सुंदर है और एक पारिवारिक फिल्म, जहां हम यहां भोजपुरी फिल्मों को लेकर जहां बात होती है कि पिक्चरें अश्लील बनती है और हम लोग भोजपुरी से जुड़ना नहीं चाहते हैं तो भोजपुरी के ऊपर जो दाग हमेशा लगता है, तो मुझे लगता है कि ये उस दाग को मिटाने में बहुत इस फिल्म का योगदान होगा। मैं यही कोशिश करूँगी कि अच्छी फिल्में करूं और अच्छी फिल्मों के थ्रू लोगों को अच्छा गाइडेंस दूं। और इस कोशिश में मुझे लगता है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारे डायरेक्टर साहब, इन्होंने जो इस फिल्म को चुना है ये उनके लिए भी उतनी ही चुनौती है, क्योंकि ऐसी फिल्में ज़्यादातर उनको लोग पसंद नहीं करते हैं या कमर्शियली उनको हिट नहीं बोलते हैं। लेकिन हमने इस फिल्म को कुछ इस तरीके से बुना है कि उसमें जितना मार्गदर्शन लड़कियों को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर है, उतना ही मसाला, उतना ही कमर्शियल एंगल भी है। तो सभी लोग खूब एंजॉय भी करेंगे इसको, उसका इतना ही मज़ा लेंगे एंड एट द सेम टाइम उनको एक अच्छी सीख भी मिलेगी इस फिल्म से, जो कि मुझे लगता है कि मुझे मेरी हर फिल्म से मिलनी चाहिए। यही कहूँगी। और संगीत अमन शुक्ला जी का है, आई एम सो सॉरी आज के लिए, क्योंकि तबीयत दो दिन से बहुत ज़्यादा नासाज रही है मेरी, ट्रैवलिंग और शूटिंग के वजह से बीमार पड़ी थी और फिर भी आज कोशिश कर रही थी कि टाइम पे पहुँचूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ख़राब होने की वजह से डॉक्टर के पास पहले जाना पड़ गया और फिर यहाँ पर आई हूँ, तो इस वजह से ट्रैफिक में लेट हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। संगीत अमन श्लोक जी का है और इन्होंने हमारे साथ भी बहुत पहले से काम किया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। सो एसोसिएशन जब अच्छे लोगों का होता है एक फिल्म के लिए तो वो फिल्म भी पूरी तरीके से अच्छी बनती है। हमारे सह कलाकारों में प्रमोद प्रेमी जी हैं, अनारा जी हैं, अनारा जी के साथ में हमने सबसे पहली फिल्म की थी विधाता, और विधाता के बाद में आज हम कर रहे हैं, और विधाता जितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है, हम कामना करते हैं कि ये फिल्म भी उतनी ही बड़ी ब्लॉकबस्टर बने। इसमें आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है, ऑडियंस हमको प्यार दे, यही इच्छा करते हैं और क्या कहेंगे। नहीं, फिलहाल हर मुझे लगता है हर फिल्म में आपको नया किरदार या नया लुक अपनाना ही चाहिए, तभी जब आप वर्सेटाइल रहेंगे तो आप ज़्यादा फिल्में कर पाएंगे, क्योंकि जितना आप सिमिलर अपना लुक हर फिल्म में रखेंगे तो उतना नावीन्य नहीं दिखता है। और मुझे लगता है भोजपुरी में जितना रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं, भोजपुरी ऑडियंस उतनी भाग रही है हमारी फिल्मों से, तो हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा कुछ नया हमेशा पेश करें और इससे उनका मनोरंजन भी हो और उनको एक ऐसा भी लगे कि यार वही कहानी नहीं वापस देखी। नॉर्मली ऐसा होता है कि तेलुगु में पिक्चर कोई हिट हुई है तो उसी की कॉपी बना के बना दी है, तो ये कहानी उस तरह की नहीं है, तो मुझे लगता है कि ओरिजिनल कहानियों से मैं जुड़ना खुद पसंद करूंगी। मैम, आपके अभी जो दो म्यूजिक वीडियो आए थे काफी हिट हुए हैं जी, और दर्शकों की मांग है कि आपकी और भी इस तरह के वीडियोस आए, कोई है इस तरह के आ रही प्रोजेक्ट कोई? जी बिल्कुल, अभी मैंने एक चिंटू जी के साथ में गाना किया है, वो फिल्म का गाना है लेकिन एल्बम का गाना नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ही तड़क फड़क दार गाना। खेसारी जी के साथ में एक गाने के लिए ऑलरेडी बात चल रही है और हो सकता है कि वो बहुत जल्द शुरू हो जाए, इनफैक्ट तीन गानों की बात चल रही है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग फिर एसोसिएशन करें और
बंगलिनिया जितना हिट हुई है उतना ही वो गाने भी हिट हो, और उसके लिए मेरे सभी सहकलाकारों ने बहुत हेल्प की है, सबने अपने अपने वीडियोस रील्स बना के उस गाने को लोगों तक पहुंचाया, और बिना उनके ये नहीं हो पाता. सो आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन इन द इंडस्ट्री जिन्होंने मुझे साथ दिया. मेरी तो वो डेब्यू फिल्म थी, मैं तो बड़ी डरी और सहमी सी थी सेट पे. बट यस, ये तब भी सुपरस्टार थे और उन्होंने बहुत हेल्प किया, और मैं कहीं ना कहीं बहुत ऐसा रहती थी, अरे मेरे लिए क्योंकि नया एक्सपीरियंस था. बट शी वॉज लाइक वंडरफुल को आर्टिस्ट और बींग अ सीनियर, जिस तरह से वो हेल्प किया उन्होंने वो बहुत बड़ी बात है. क्योंकि कहते हैं ना कि एक हीरोइन दूसरी हीरोइन से कहीं ना कहीं वो जेलस फैक्टर, बट ऐसा नहीं था जो मैंने सुना हुआ था. हम लोगों के बीच में बहुत कमी हुआ है किसी भी हीरोइंस को लेके. yes. सभी लोग बहुत यस हमारी इंडस्ट्री में आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट कि सब हीरोइन आपस में फ्रेंड्स हैं, मिलते हैं, ऑफ शूटिंग भी मिलते हैं और खूब मजे करते हैं, ऑफ शूटिंग मिलते हैं और रील्स बनाते हैं, जैसे कि हम लोग रील्स के लिए बहुत फेमस हैं. तो यहाँ और जैसे अब इनका गाना आया था, सबने रील्स बनाया और आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड कि हम वापस काम करेंगे और एक ऐसी फिल्म के साथ आएंगे जो एक मार्गदर्शक बन के लोगों के आगे आएगी. बस यही कहना चाहूँगा कि 30 साल के करियर में पहली बार मैं पाकी जी के साथ काम करने जा रहा हूँ, और करीब 1.5 साल फिल्म करने के बाद भी कभी मौका नहीं मिला कि मैं साथ में काम करूँ, लेकिन बहुत उत्साहित हूँ इस सिनेमा को लेकर के. और पाकी जी नाराजी हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे राजेंद्र जी जो डायरेक्टर हैं बहुत अच्छा सिनेमा बनाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, और जब ये बन के आएगी तो लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा. प्रमोद प्रेमी जी के साथ में अभी तक काम करने का मौका नहीं मिला है, ये पहली बार है कि मैं करने जा रही हूँ अभिनय, तो हम लोग पहली बार करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम. और मुझे याद है दिनेश जी के साथ में जब मैंने पहली बार काम किया था तो वो एक्सपीरियंस मुझे याद है उनके साथ वाला, और मतलब पहला शॉट लगा था जहाँ पे ऐसा शॉट था कि उनको मैं एक थप्पड़ मारने जा रही, वो हाथ पकड़ते घुमाते और बाल से पकड़ के ऐसे खींचते, और किसिंग शॉट था और उनकी ऐसे हाथ कांप रहे थे, और वो किसिंग शॉट मतलब एक्चुअली नहीं था, सिर्फ आपको ऐसे मुड़ के ये करना था, पर उनसे हो ही नहीं रहा क्योंकि वो होता नहीं. तो मैंने देखा है कि भोजपुरी आर्टिस्ट में जितने भी आर्टिस्ट हमारे साथ में मतलब काम किए हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर से एक होता ना कि रिस्पेक्ट, अरे बॉलीवुड से है तो वो एक कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट लेवल्स बहुत रखे हुए हैं, सभी रहते हैं. आई एम श्योर जर्नी ऑफ फर्स्ट टाइम आर्टिस्ट बहुत एक्साइटिंग रहती है. yes. और प्रमोद जी के गाने हम लोग सब सुने हैं, काफ़ी एक्साइटिंग है, नए कलाकारों में उनका काफ़ी नाम रहा है, अच्छे कलाकार हैं ये भी सुना है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम लोग इसमें पहली बार काम करने जा रहे हैं, और उनका किरदार है कुंवर साहब का, तो देखेंगे कुंवर साहब की शान क्या है, उनकी आन बान शान दिखाई देगी हमारे सामने जब आएंगे तब हम देखेंगे उनको. गंगा की गौरी नाम है. जी 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 गंगा की गौरी कुछ नहीं, दो हीरोइन है, एक हीरो है, यहाँ से ये खींचेंगी वहाँ से मैं खींचूंगी, खींचा तान में देखेंगे कौन खींच पा रहा है सही से. और कोई अगर नहीं खींच पाए तो उनकी वाइफ आके उनको लेके चली जाएगी, हम दोनों शक्ल देखते रह जाएंगे और क्या. मैं सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये है कि मैं फर्स्ट टाइम जो है नारा जी के साथ, पाखी जी के साथ और प्रमोद जी के साथ और बालेश्वर जी के साथ इस फिल्म को करने जा रहा हूँ, और इसका टाइटल जो है गंगा की गौरी. तो 4 सालों से मुझे तलाश थी कि मेरी गंगा कहाँ है, मेरी गौरी कहाँ है. फिर 4 साल के बाद ये मेरी तलाश पूरी हुई. तो बेशक मुझे लगता है कि जब हम जिस चीज़ को क्रिएशन करते हैं या सोचते हैं और उसके अनुरूप कुछ प्राप्ति होती है और कुछ मिलता है, तो आगे चल के सारा कुछ बहुत ही बेस्ट होता है.
और आप लोगों के सामने मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आपने अभी तक बेस्ट ही दिया है सब कुछ, कोशिश हमारी यही रही कोशिश। और आप गौरी हैं, अनारा जी गंगा हैं, प्रमोद जी कुंवर राजेंद्र बाबू हैं, और बालेश्वर जी का किरदार है वैद्य रघुवीर दास जी का। इनका जो किरदार है वो विधाता के तरीके का है, जो विधाता का किरदार था दिलीप साहब का ऐसा था, उस तरीके का इनका किरदार है। एक रही एक रईस आदमी जैसे गौरी जी हैं, तो गौरी जो गांव की मुखिया होती हैं, फिर इनको जो है पूरे एक राज्य का जो है पूरे प्रधानों का प्रमुख बना दिया जाता है। इनके कार्य को देखते हुए केंद्र सरकार से भी एक लेटर आता है प्रदेश सरकार को कि इनको सही में तो नहीं आएगा, सही में आएगा तो हम तैयार हैं। तो इस तरीके की फिल्म है, तो हम भी एक्साइटमेंट हैं और सब कुछ अच्छा होगा। और सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का भी मुझे चाहिए इस फिल्म को लेकर के, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस मेरी शुभकामना सबके लिए है और भोजपुरी दर्शकों के लिए। फिल्म मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी लगेगी और उन लोगों को ये दिखेगा फिल्म के अंदर कि मैं अभी कुछ देख रहा हूँ तो ये मेरे लाइक फिल्म है। अरे प्रोड्यूसर साहब की चेयर तो यहाँ लगाई है, जो पैसा लगाएंगे वो सबसे पहले बैठने चाहिए, आप लोगों को कहाँ वहाँ बिठा दिए हो, प्लीज यहाँ बैठिए। सबसे बड़ा योगदान मेरे राजेंद्र बाबू हैं, और जिन्होंने हिंदी की विचार करने लगा और ये गंगा की गौरी बनाने के पीछे में लगा, और माता रानी का आशीर्वाद है कि गंगा रानी माता रानी के दिन से ये पिक्चर शुरू हो रही है। So, इनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी, इनको बड़े ऑड्स में, मतलब ये बोल रहे हैं कि घर में से बीवी जी मना कर रही है पिक्चर मत करिए, घर में से बाकी सब मेंबर्स बोल रहे हैं मना कर रहे हैं पिक्चर मत बनाओ, लेकिन मुझे मन है क्योंकि मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो इनकी वो मतलब एक जो बोलते ना कि इनोसेंस, वो एक बड़ी भाग गई कि कई बार ऐसे होता है कि कई ऑड्स आते हैं काम करते वक्त, लेकिन सब ऑड्स को जब पार करके इंसान थोड़ी कोशिश करता है तो कुछ अच्छा निकल अच्छा के आ जाता है। और हमारी कोशिश ये रहे कि कोई नए प्रोड्यूसर्स हमारे इंडस्ट्री में आए तो हम उनको वेलकम करें और उनका वेलकम भी करें और उनके उनके उस चीज़ों को जतन करके हम उसको पर्दे पे उसी तरीके से लाके दिखाएं जिससे उनका भी अच्छा हो। मैं हूँ अमन श्लोक, संगीतकार, और आपने मेरा एक बहुत ही हिट गीत सुना होगा, थमके बरस या थमके बरस मेरा महबूब आने वाला है। और आज सबसे पहले तमाम मीडिया कर्मियों का मैं शानदार इस्तकबाल करता हूं, आप इस इवेंट को कवरेज करने के लिए आए। गंगा की गौरी एक बहुत ही बेहतरीन महिला प्रधान फिल्म है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की फिल्मों का आज च्वाइस है कि दर्शक उस तरह की फिल्म अश्लील फिल्मों से जो दूर भाग चुके हैं, तो ये फिल्म से एक नया अध्याय शुरू होगा मेरा ऐसा मानना है। और हमारे युवा निर्देशक हैं राजेंद्र वर्मा जी, और बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, बहुत अच्छी टीम बनी है, अनारा गुप्ता जी हैं, केसर जी हैं जी, प्रमोद प्रेमी हैं, और सभी बड़े बड़े कलाकार हैं, और मुझे संगीत बनाने की जिम्मेदारी मिली है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बहुत ही सुपरहिट संगीत बनाऊँ, और सभी लोगों को विजयादशमी की मैं शुभकामना देता हूँ। थमके बरस हो जरा थमके बरस, थमके बरस हो जरा थमके बरस, मेरा महबूब आने वाला है, दूर से आएगा भीग जाएगा वो, थमके बरस। बहुत सारे गाने हैं भोजपुरी में, अपने तुहार निखे कोनो जोड़ तू बेजोड़ बाड़ू हो, संग्राम, गंगा तोरे देश में, बा खिलाड़ी बा, तेजाब, सावरिया, आई लव यू, मुरा बलमा छैल छबीला, हज़ारों फिल्मों में मैंने किया है काम। और नेटफ्लिक्स पे आप मेरा जामताड़ा वेब सीरीज देखते हैं, सीजन वन सीजन टू मैंने किया है, और अभी सफ़र बहुत लंबा है, बहुत काम करना है, और गंगा की गौरी के लिए मुझे सबसे बढ़िया एक अलग सा संगीत बनाना है। तो यात्रा तो बहुत लंबी है, बस आप लोगों का प्यार और गुलार चाहिए। सर आपने क्या क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में और इंटरनेशनल फैन को? नमस्कार, मैं हूँ आप सबका अपना सत्येंद्र सिंह, और दशहरा के हार्दिक शुभकामना आप सबको। और गौरी की गंगा फिल्म का आज शुभ मुहूर्त हो रहा है, तो मैं बहुत सतीश भैया, सतीश सिंह जी प्रोड्यूसर है, उनके लिए और अपने
जो राजेंद्र जी है डायरेक्टर, और पूरी टीम को हार्दिक शुभकामना मैं देता हूँ ये फिल्म बने और सुपर डुपर हिट हो। बेसिकली अनारा गुप्ता जी हैं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, और पाखी जी हैं, और जितने भी दिग्गज कलाकार सामने बैठे हमारे भाई बालेश्वर भाई, तो मेरी शुभकामना है कि हिट हो। जी नमस्कार, मेरा नाम झील इदरीसी है और आप सभी को हैप्पी दशहरा। इसमें मैं सेकेंड लीड का रोल कर रही हूँ, IAS का है, बहुत अच्छा किरदार है, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है डायरेक्टर सर, बट थोड़ा बहुत गाने वगैरह है, बहुत अच्छे सॉन्ग है। अच्छा सर, सबसे पहले आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। और ये जो प्रोजेक्ट है, हम लोगों ने 4 साल पहले मेरे भाई राजेंद्र जी और भाई ये हमारे 4 भाई जो है, हम लोग 4 साल पहले शुरू किए थे और लॉकडाउन आ गया और ये प्रोजेक्ट रुक गया। और ये इन्होंने बता ही दिया कि ये एक नारी प्रधान फिल्म है, इसमें मेरा सा एक रोल है केवट का, जो एक माझी का रोल कर रहा है। वो केवट सबको इस पार छोड़ता है, लेके आता है, और इस भाई ने बहुत मेहनत की है। और इसमें एक मैं गाना भी गा रहा हूँ जो माझी का है, बहुत अच्छी फिल्म है। और आप सबसे प्रार्थना है कि दुआएं कीजिए कि ये फिल्म बने और रिलीज हो और हिट हो, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है इस फिल्म के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं राजेंद्र जी आपको। और बस नमस्कार, मैं हूँ रैपर केशवर, और गंगा की गौरी बहुत अच्छा साउंडिंग, स्कूल गुड, अच्छा लग रहा है। और सबको जो स्टार कास्ट हैं यहाँ पे, सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, समय पे बनाएं और समय पे रिलीज करें। सर गाए तो तुम नहीं है, क्यों नहीं? आपको मैं थोड़ा सिंपल मेरा रैप है सुनाता हूँ, पूरी में ये हमारे पूर्वजों की पहेली की कहानी, हमारे बाप दादा और नाना नानी की जुबानी, बुझका है तारा घर गईनी बिना पूछने लेके बैठ गईनी, बुझका है ला ढकना धका ढकना, खोल खिड़की पहुँचाओ पटना, बुझका है। लेटर बॉक्स सबको तो पता ही होगा। नमस्कार सर, सभी भोजपुरी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उदय भगत है और ये गंगा की गौरी फिल्म बनने जा रही है जिसका आज सुमूहूर्त है, और इसमें एक किरदार पे मैं काम करूँगा। और इसमें जो है सो इसके निर्माता जो है सो सतीश सिंह जी हैं, प्रियंका सिंह जी हैं, और इसके डायरेक्टर हैं राजेंद्र कुमार वर्मा जी। और सभी को मेरे किस्सा पढ़ना होगा।